कि सब लक्षण संपन्न कुमारी हो यही संतत पियाई प्यारी। तुम्हारी कन्या सर्वगुण संपन्न है और अपने पिए की ये बहुत प्यारी होगी, बहुत प्यारी। कि सदा अचल अहि कर अहि वाता अहि ते जस्म पे अहि पितु माता। मुखमंडल निहार रहे हैं नारद जी दुर्गा का, अंबिका का। ये कुछ शक्ति है, ये देव को अपने वश में करने वाली कोई शक्ति है। हे गिरिराज कुमारी, ये कन्या समस्त प्रकार की लक्षणों से युक्त है, आद्य कला है, ये अपने पति को सुख देने वाली होगी और पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली होगी। जब तक कन्या अपने पिता के यहां रहती है तब तक पिता का ख्याल बेटी रखती है। जितना ख्याल बेटी रखती है शायद ही कोई बेटा होगा जो अपने पिता का और मां का ख्याल रखे। और विवाह के बाद पति के घर का, पति का ख्याल रखती है, उसके परिवार का ख्याल रखती है। दो दो कुलों को संभालने वाली ये कन्या है, ये शक्ति है। ससुराल में भी आने के बाद अपने ससुर का भी ध्यान रखती है, सास का भी ध्यान रखती है, पति का भी ध्यान रखती है, बच्चों का भी ध्यान रखती है और अपने मायका का भी ध्यान रखती है। मेरे पिताजी कैसे हैं, बार बार फोन करती है, समाचार लेती है, मेरी माँ कैसी है, भाई कैसे हैं, भाभियाँ मेरी माँ को भोजन देती हैं कि नहीं देती, सेवा करती हैं कि नहीं करती, ये ख्याल केवल पुत्री को होगा और किसी को नहीं। क्योंकि कन्याएं देवियां एक देव शक्ति हैं। नारद जी ने कहा, उमा तुम सबका जगत का कल्याण करने वाली हो। और मैना से कहा, सुनो मैना, आपकी पुत्री वैसे तो सर्वगुण संपन्न है लेकिन एक अवगुण मुझे दोष नजर आ रहा है। मैना ने कहा, क्या ऐसा कौन सा अवगुण है, आप मुझे शीघ्र बताइए। कि अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। हे मैना, तुम्हारी पुत्री के भाग्य में इसका जो पति लिखा है वह पति अगुण अमान मातु पितु हीना। माता पिता के हीन, जो मान सम्मान की परवाह करने वाला नहीं होगा और जो योगी होगा, सन्यासी होगा, तपस्वी होगा, मजस्वी होगा और गढ़ों के बीच उसका निवास होगा, शमशान उसका घर होगा, ऐसा इसका पति होगा। जब मैना ने कहा कि अरे मेरी पति इतनी मेरी पुत्री इतनी सुंदर है और इसके लिए वर ऐसा मिलेगा, उदासीन वर मिलेगा, मैं अपनी पुत्री को लेकर के समुद्र में डूब जाऊंगी, गिर जाऊंगी, लेकिन ऐसे पति के साथ अपनी कन्या का विवाह कदापि नहीं करूंगी। मन में बड़ी चिंता होगी, व्यथित हो गई।
मैना बहुत चिंतित हो गई। हिमालय को कहा, आपने सुना अपने बेटी के लिए ऐसा वर मिलेगा? दोनों पति पत्नी बहुत उदास हो गए, बहुत परेशान हो गए। कैसा तो पति नहीं मिलना चाहिए। हिमाचल ने कहा कि जो नारद ने कह दिया वो पत्थर की लीक है, वो मिट नहीं सकती, वो सत्य ही होगी। नारद जी का सत्य वचन है कि समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर कीना। नारद जी ने कहा, अरे हिमालय पत्नी मैना, आप इतने चिंतित क्यों होते हो? ऐसे जो अवगुण हैं वो तो शिव में हैं, वो तो महादेव के अंदर हैं, जो सभी के देव हैं, सभी के रक्षा करने वाले हैं, और बड़े से बड़े देव भी उनके यहाँ आकर के हाजिरी लगाते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ब्रह्मा की लेखनी ने जो लिख दिया, हमारे भाग्य की जो चिट्ठी लिख दी है, वह तो होकर के रहेगी। हर व्यक्ति की भाग्य की चिट्ठी ब्रह्मा जी लिखते हैं, किसके भाग्य में क्या क्या होगा, कब कष्ट आएगा, कब विवाह होगा, कितनी विद्या होगी, अफसर बनेगा या कोई छोटा काम करेगा, कीर्ति बढ़ेगी अपकीर्ति बढ़ेगी, किस बहाने से मृत्यु होगी, सुख मिलेगा दुख मिलेगा, ये सब ब्रह्मा जी लिख लिख देते हैं। ब्रह्मा जी के लेखनी के अनुसार ही हमारे जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, मन मायूस भी होता है, परेशान भी होता है, लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, प्रेम भी होता है, व्यापार में नफा घाटा भी होता है, और किस प्रकार से मौत होती है, वह सब होता है ब्रह्मा की लिखने के अनुसार ही। नारद जी ने कहा, हिमाचल तुम्हारी यही पुत्री पहले दक्ष की कन्या थी, पहले इसका नाम था सती, और सती का विवाह भी शिव के साथ हुआ, और जब जब भी इनका जन्म होगा तब तब ही शिव ही इनको पति के रूप में मिलेंगे। आपने शायद देखा होगा, भगवान शिव नरमुंडों की माला पहनते हैं, तो नरमुंडों की जो माला है ये सती के ही मुंड हैं। जब जब भी वो सती गई, मुंड काट लिए गए और माला पर होते गए, 51 मुंड हैं। जब जब सती गई धराधाम को छोड़ करके, तो वही सती के 51 पीठ बन गई, जहां हम लोग सब जाते हैं अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। वहां सती का कोई कोई अंग कहीं कहीं गिरा, जहां जहां गिरा उनका वही नाम से विख्यात हुई।